नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 28 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि दशमी है, वार शुक्रवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 और सूर्य दक्षिणायन में शरद ऋतु आरंभ हो चुकी है। मुस्लिम तारीख 8 है, मुहर्रम माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है, दशमी तिथि दिन में 8:39 तक, उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मूल दिन में 12:37 तक, उसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग प्रीति दिन में 4:04 तक, उसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 8:39 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:08 पर और सूर्यास्त 6:48 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य सिंह राशि में जो उसकी स्वय राशि है, मंगल मेष राशि में जो उसकी स्वय राशि है, बृहस्पति धनु राशि में जो उसकी स्वय राशि है, शनि मकर राशि में जो उसकी स्वय राशि है, शुक्र मिथुन राशि में जो बुध की राशि है, राहु मिथुन राशि में जो बुध की राशि है और केतु धनु राशि में जो बृहस्पति की राशि है, चंद्रमा भी धनु राशि में जो बृहस्पति की राशि में विराजमान है। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा रात्रि में 8:28 से, गणमूल दिन में 12:37 तक, कुमार योग सूर्य दशे दिन में 12:37 तक और रवि योग 12:37 तक है। राम देव जयंती आज है, तेजा दशमी आज है, दशावतार जयंती आज है और व्रत भी है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:42 तक है। इसमें आप वे काम कर सकते हैं जिन्हें आप बार बार होते हुए देखना चाहते हैं। लाभ और अमृत्य चौघड़िये में आप व्यापार से संबंधित या शुभ कार्य जिनको आप जिनकी परिणति पूर्णता की ओर चाहते हैं वो कार्य कर सकते हैं। शुभ का चौघड़िया 12:28 से 2:03 तक है। इसमें मांगलिक कार्यों का प्रारंभ आप कर सकते हैं। विवाह आदि के लिए कोई बातचीत करनी हो या कोई जमीन देखनी हो या कोई ऐसे कार्य जिनके अंदर जिसकी शुभता जिस कार्यों की आप चाहते हो वो कर सकते हैं। चरका चौघड़िया पुणे 5:13 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला 10:30 से 12 तक है। तो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनके लिए टाला जाना संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीज़ों का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज बृहस्पति, चंद्रमा और केतु ये तीनों साथ हैं धनु राशि में। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि एक तरफ जहाँ बहुत सौहार्द बहुत ऊंचे दर्जे का रहेगा, एक दूसरे के मन में बेहद कटुता के बावजूद भी साथ बैठने और कुछ कार्यों के परिणाम निकालने की इच्छा हो सकती है, वहीं दूसरी ओर कूटनीति भी अंडर रूट अपना काम कर रही होगी, यानी कि नीचे नीचे कुछ कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे होंगे और ऊपर से चीज़ें ठीक करने के प्रयास भी। तो कहीं भी अगर गड़बड़ हुई तो हर कोई व्यक्ति अपने कूटनीतिक प्रयास अपने ऊपर हावी कर सकता है, तो बहुत समझ के काम करने की आवश्यकता है। सामने से शुक्र और राहु की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है। इसके मायने ये हुए कि सब चीज़ें ठीक हुई तो बिल्कुल ठीक से चीज़ें चलती चल जाएंगी, कहीं एक ने संभावना आशंका या अपने क्रोध ईर्ष्या या द्वेषवश कोई गलती कर दी तो वो गलती फिर हर कोई कर बैठेगा, फिर हर कोई तनाव में आ सकता है। तो ये परिवार में, व्यापार में, राजनीतिक स्तर पर हर जगह आप ऐसा होता हुआ देख सकते हैं। परिवार में अगर ऐसी स्थिति हो तो आपको बहुत शांति से उन लोगों के साथ तुरंत इस बात का एक सफाई देने या बातचीत करने की आवश्यकता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें इस तरह से भी की जा सकती हैं या आप बताएं कैसे करें। तो इस तरह से एक सामंजस्य भरी बातचीत करके आप इस तनाव को, इस आशंका जनित कोई क्रोध या कोई वैमनस्यता है उसको तुरंत ठीक कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति पाएंगे। ऐसा ही व्यवसाय आदि में भी अगर कोई आशंका जनित कार्रवाई हो रही हो तो उसको तुरंत बातचीत कर लेने में कोई बुराई नहीं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके सवालों के साथ और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन, इस पर भी बात करेंगे। बने रहिए भाग्य में।
आइए बात करते हैं कैसा रहेगा राशियों के अनुसार आज आपका दिन और आपके सवालों के जवाब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं आपका सवाल जो भेजा है अशोक सैनी जी ने जयपुर से। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 22/4/1982। ये जानना चाहते हैं नया व्यापार शुरू कर रहे हैं कैसा रहेगा इनका व्यापार। अशोक जी आप बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों को देख करके समझ करके आगे बढ़ने की आपकी हमेशा कोशिश रहती है। तो इसके मायने ये हुए कि बहुत अच्छी तैयारी आपने अपने कार्यों की जब तक न कर ली हो तब तक आप उतरेंगे नहीं और आपको उतरना भी नहीं चाहिए। तो पूरी तैयारी करके जाएं, हर चीज़ का सवालों के जवाब जब आपके पास हो तभी व्यवसाय में जाएं, क्योंकि आने वाला समय हल्का सा इस बात को तो इशारा करता है कि कहीं आर्थिक दुश्चिंताओं में ना फंस जाए। तो जो आपकी पूरी ऊंचाई है उससे जो आपकी आर्थिक क्षमता है उससे थोड़ा कम का ही काम करें, बहुत भार लेकर के ना चलें। चाहें तो मूंगा धारण कर सकते हैं, इससे आपके प्रयासों में तेजी आएगी और जो भी आप काम कर रहे हैं उससे पूरी पकड़ आपकी बनी रहेगी, नियंत्रण आप नहीं खोएंगे, वो आपके नियंत्रण में रहेगी हमेशा चीज़। तो इस तरह से आप व्यवसाय में अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए व्यवसाय मंदी की समस्या से उभरने के उन्हें उपाय सोचने होंगे। रुके हुए कार्यों को फिर से प्रारंभ करने की योजना बनाने का आप प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा अनुकूल समय है। इस मामले के अंदर धन को एकत्र कर नए निवेश की अगर तैयारी करेंगे तो ये अच्छी स्थिति आप पालेंगे, अच्छा कमांड अपनी चुनौ में पालेंगे। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। रिश्तों में परस्पर तारतम्य बना पाने में समस्या आपको आ सकती है। व्यावसायिक बाधाओं को बीच से रास्ता निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। राहु की उपस्थिति शुक्र के साथ थोड़ा सा तनाव दे सकती है। लोगों की राय को सकारात्मक तरीके से आपको लेना होगा। अगर कोई आपको सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं, कोई गुरुजन, परिवारजन, बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं तो उसको बहुत समझ करके लेकर चलें। ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। व्यापार वृद्धि के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देनी होंगी। परिजनों के साथ पारिवारिक समन्वय के रास्ते निकालने का यह समय है। लोन लेने से आपको बचना चाहिए। स्किन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए सवालों की ओर लौटते हैं। अगला सवाल लेते हैं रिकेश भार्गव जी का, जयपुर से। इन्होंने सवाल पूछा है, ये जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा है इनका। 14/4/1991 इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है। बिल्कुल रिकेश जी, आपके अंदर अपने शब्दों को सही से कहने की और भावनात्मक गहराई बहुत है आप में। हर बात को काल्पनिक तरह से समझना, उसको ठीक ढंग से करना, शब्दों का ठीक से चुनाव करना और अपने कल्पना में ही लगे रहना और सफलता की तरफ बढ़ना धीरे धीरे ही सही, पर आप अग्रसर हैं। और ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है, लगातार बढ़ने की जो क्षमता है, ये आपको एक दिन बहुत ऊंचे दर्जे पर ले जाएगी। आपको केवल ये करना है कि व्यवधान कोई भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है किस तरफ। आपको बीच बीच में कई तरह के डाइवर्जन अगर आ रहे हो तो एकाग्रता से एक तरफ चलते चलेंगे तो 2024-25 के बाद एक ऐसी स्पीड आएगी जिसमें आपके सारे पिछले गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आप चाहें तो अपनी उंगली में मणक धारण कर सकते हैं, यह आपको बहुत सहायता करेगा। अगर हीरा पहन सकते हो तो हीरा भी आप पहने, यह आपके लिए एक बहुत ही तेजी गति से आपको लाभ दिलाने में एक स्थिति बनाएगा। चाहें तो स्फटिक भी पहन सकते हैं इन दोनों को छोड़ करके। स्फटिक क्योंकि बहुत ज़्यादा पहन सकते हैं आप, 10 कैरेट से ऊपर का, या माला पहने तो 100 कैरेट से ऊपर की, ये तो अद्भुत हो सकती है आपके लिए। आपके मानसिक नियंत्रण, आपके कार्यों पे आपका नियंत्रण और आपके घटनाओं पर एक तरह से आपकी पकड़ बनी रहे, इसमें बहुत मददगार साबित हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। साझेदारों के साथ कठिन आर्थिक दौरों से गुजरना पड़ सकता है आपको। युवाओं को परिश्रम का भरपूर लाभ मिलने का है ये समय कर्क राशि वालों को। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा आपको। भावनात्मक कहीं ऊपर नीचे हुए तो तुरंत आपके हेल्थ पर आता है,
आपको बहुत समझ से काम करना होगा। आइवरी कलर आपको सूट कर रहा है, चार का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। नए व्यवसाय के शुरुआती दौर में लापरवाही से दूर रहना होगा। अगर नया व्यवसाय करें तो लापरवाह ना हो, टिक करके एक तरफ काम करें, सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं है। साथ ही से भावनात्मक तनाव कम करने का ये सही समय है, प्रयत्न करें। दूसरों के कामों में सहयोग, आर्थिक लाभ लेने का ये समय है। कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है, छह का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। धार्मिक कार्यों में सहयोग से आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आध्यात्मिक आस्था बढ़ेगी और आर्थिक प्रगति से संतुष्ट अनुभव करेंगे। आर्थिक जरूरतों को नजरअंदाज भी ना करें। गोल्डन कलर आपको भाग्य वृद्धि में सहायक हो सकता है, एक का अंक आपके लिए शुभ है। वक्त है आपके सवाल का। ये सवाल है बनवारी लाल जी का, जयपुर से। इन्होंने पूछा है 13/9/1986 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये पूछ रहे हैं कि व्यापार में कब सुधार आएगा। निश्चय ही बनवारी लाल जी, आपकी स्थिति ऐसी है कि एक तरफ आपको लगता है कि समस्याएं ज़्यादा बड़ी हैं या संभावनाएं ज़्यादा बड़ी हैं। दोनों पर आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो आर्थिक बोझ बढ़ेंगे और पीछे हटते हैं तो बहुत लॉस हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको आगे बढ़ना चाहिए, नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए। अगर आपने वित्त प्रबंधन सही कर लिया तो फिर अर्थव्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं। 1.5-2 साल का ये समय है, इसको ठीक से आप निकाल गए तो फिर आगे बहुत बेहतर स्थिति आपकी हो सकती है। आप चाहें तो सबसे छोटी उंगली मोती, पहली उंगली पुखराज अगर आप पहनते हैं तो ये एक तरह से भावनात्मक और आर्थिक दोनों संतुलन देने वाला आपको हो सकता है और आपके लिए अच्छे भविष्य की एक तरह से जितने भी क्रम आपके आसपास होंगे वो आपको संजो करके आपको दे सकता है। बात करते हैं तुला राशि की। स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लेना होगा। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के प्रयास करने होंगे, सही समय है उसका। ये संसाधनों की कमी थोड़ा अकड़ सकती है। डार्क ग्रे कलर आज आपको सूट करेगा और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि। परिवार में मांगलिक कार्यों की योजना बनती हुई दिखाई दे रही है। आवश्यक आर्थिक सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा। उच्च संपर्क लाभकारी रहेंगे। लीफ ग्रीन कलर आज आपको सूट करा और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। कठिन परंपराओं के निर्वहन के लिए युवा संतान को तैयार नहीं कर पाने से थोड़ा सा तनाव आपको हो सकता है। घरेलू सुविधाओं के लिए बड़ी पूंजी खर्च होने के योग बन रहे हैं। नए लोग प्रभावित होंगे आपके कार्यों, आपकी वाणी और आपके दक्षता से। ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। लौटते हैं सवालों की ओर। अब सवाल है चंद्रजीत दत्ता का। ये पूछ रहे हैं 21/7/1971 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये जानना चाहते हैं कि जो ये काम सोचते हैं वो टाइम से नहीं होता और आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। आप जैसा इंटेलिजेंट, चीज़ों पर पकड़ लिए हुए, अपनी विषयों का ज्ञाता और नई जानकारी जुटा लेने की आपकी जो दक्षता और जो हुनर है वो देखते ही बनता है। साथ ही साथ आप में साहस भी है। ये दोनों चीज़ें मिलकर के आपको बहुत ऊंचाई दे सकती थी। एक अनुशासन आपके जीवन में और होता तो आप चाहें तो पन्ना पहन सकते हैं। ये क्रमबद्ध टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर करेगा। जो काम जिस समय करना है उसके लिए अगर आप प्रतिबद्ध हो गए, अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया और अपने आसपास वो लोग जुटा लिए जो आपकी प्रतिभा का सही दोहन कर सकें, तो यकीन माने आपकी आर्थिक स्थिति अगले महीने भी सुधर सकती। तो कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। केवल आपको चीज़ें सही क्रम में रखनी है, सही टीम बनानी है और सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करना है। लगातार नियमबद्ध कार्य करने, इतना सा करना है केवल। आपको चाहें तो हीरा पहन सकते हैं या आपकी जो आसपास का स्तर है, जो आपके लोग हैं, जो आपका मेल जोल का स्तर है उसको ऊंचा उठा देगा तो समय ही आपका धन लाभ की स्थितियां बड़ी हो जाएंगी। और अगर चाहें तो आप मूंगा भी पहन सकते हैं। यह आपके अंदर आंतरिक साहस और ऊर्जा को, जो थोड़ी इन दिनों आपको कम दिखाई दे सकती है, उसको कम नहीं होने देगा। वो ऊर्जा का स्तर आपका बढ़ा देगा, इससे भी आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
चलते हैं मकर राशि की ओर। अपने कार्यों की गति को तेज करने का प्रयास करें। आर्थिक सुधरता के लिए स्थायी निवेश का रास्ता अपनाना चाहेंगे आप। जीवन साथी के लिए करियर के अवसर बनाने की कोशिश करें, सफलता मिल सकती है। एक आर्थिक सुदृढ़ीकरण परिवार का हो सकता है। क्रीम कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, कानूनी विवादों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। व्यवसाय में नीतियों का निर्धारण करके अधीनस्थ लोगों का मार्ग आप दर्शन करते हुए दिखाई देंगे और चीजें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। रिश्तेदार व्यक्तिगत कामों के लिए आप पर निर्भर हो सकते हैं, ऐसा समय सामने। रेड कलर आज आपको सूट करेगा और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। नई जिम्मेदारियां लेकर के अधूरा ना छोड़े उन्हें, आपकी छवि को नुकसान हो सकता है इससे। श्रेष्ठ व्यवसायिक कार्यों के लिए सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है आपको। कार्यस्थल की बाधाएं दूर होंगी और इस तरह से आपकी रुचि के अनुसार आपको कार्य मिलने लगेंगे। कैरेट रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सितारों के सितारे में पद्मश्री, ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन की कुंडली की चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्य में।